हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज भी समाज में कुछ अनविश्वासी और रूढ़िवादी गतिविधियां जारी हैं। एक प्रकार की बेहोशी छाई हुई है। दुनिया में एक होश और जागरूकता लाने के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इसी उदय से हमने अतुलनीय फाउंडेशन बनाया है, जिसके अंतर्गत ये एक यात्रा है जो मैं अपने कदमों से पूरे थार रेगिस्तान को पार कर रहा हूँ। लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा में खुद दौड़ते व पैदल जारी है और अकेले सरवाइव करते हुए बाड़मेर में थार नगरी बाड़मेर में 7 जनवरी की शाम को पहुँचा हूँ। यात्रा का 20% दूरी तय हो गई है और अभी 9 जनवरी आज रेगिस्तानी गाँव और ऐतिहासिक स्थान किराड़ो की ओर जाने वाला हूँ। कल शाम मैंने बाड़मेर रेगिस्तान शहर से टोली के लिए 4 टायर और कुछ राशन खरीदा। ये यात्रा की शुरुआत 31 दिसंबर 2020 इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नबाटे रन ऑफ कच्छ गुजरात से की है। यात्रा की समाप्ति भटिंडा पंजाब में होगी। यात्रा जारी है। अभी मैंने बहुत सारे नमक के दलदलीय मैदानों को पार किया और बहुत सारी समस्याओं को मैंने डट कर सामना किया। कई जंगली जानवर रास्ते में मिले, जंगली सुअर, लोमड़ी, जंगली गधा, हिरन और कई वन्य पक्षी। डेजर्ट में मेरी ट्रॉली के टायर खराब हो गए थे, उनको सुधारा। मेरे पैरों में सैकड़ों जख्म हैं और बैंडेज बांधकर सरवाइव कर रहा हूँ। डेजर्ट में खाना मैं खुद बनाता हूँ। बहुत सारे गुजरात के और राजस्थान के रेगिस्तानी गाँव को पार कर रहा हूँ। यहाँ के गाँवों का भारत बहुत अलग है। यहाँ के लोग बहुत दयालु और मददगार हैं, पर कुछ बातें मुझे राजस्थान के गाँव की अटपटी लगी। हर दिन मेरे लिए चुनौती भरा है। कभी रेत के मैदान और जंगल दिखाई देते हैं। एक अनुभव जो मैंने रेगिस्तान के गांव में जाकर महसूस किया वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आज दुनिया बहुत आधुनिक हो गई है, पर अभी मैं जिन स्थानों से गुजर रहा हूँ वो गांव की सोच आज के वर्तमान से 500 साल पीछे है। जब मैंने राजस्थान में प्रवेश किया तो खाना और पानी की बहुत परेशानी हुई। एक बात मेरे से सबसे पहले और सबसे ज्यादा गांव वालों ने 50 से ज्यादा बार पूछी, तुम्हारी जात कौन सी है। यहाँ आज भी जाति प्रथा बहुत ज्यादा। आज भी ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ खाना नहीं खाते हैं और उनके बर्तन भी अलग होते हैं। जब मैं किसी से पानी भी मांगता तो पहले मुझसे मेरी जाति पूछी गई। 3 जनवरी की रात मैंने गाँव के एक खंडर में बिताई। जब मैं यहाँ के गाँव को पार करता हूँ तो लोग बात करने में बताते हैं ये पंडितों पुरोहितों का गांव है, राणाओं का गांव है, शूद्रों का गांव है, काश कोई इंसानों का गांव मिला हो। मेरा विश्वास और अंधविश्वास डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना जारी और गांव के लोगों के बीच जागरूकता भी ला रहा हूं, कुछ फुटेज और वीडियो शेयर कर रहा हूं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।